हेलो नमस्कार, जय हिंद। रेलवे भर्ती परीक्षा 2024 के संदर्भ में बात करने वाले हैं, आरआरबी एएलपी के संदर्भ में। आरआरबी एएलपी के लिए एग्जाम डेट जारी कर दी गई है। एग्जाम डेट क्या है, ऑफिशियल प्रकार से एग्जाम डेट जारी हुई है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय से मिलती रहें। देखिए, उत्तर पश्चिम रेलवे के संबंध में दिनांक 25/4/2024 का एक नोटिस आया है, महत्वपूर्ण सूचना, जो नोटिस संख्या 740 आरआरसी जीडीसी 04/2023 उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर। ये विषय है सामान्य विभाग प्रतियोगिता परीक्षा अधिसूचना संख्या 4/2023 के तहत सहायक लोको पायलट के पद पर भर्ती हेतु कंप्यूटर आधारित परीक्षा के क्रम में। विषय अंतर्गत लेख है कि सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा अधिसूचना संख्या 4/2023 में अधिसूचित सहायक लोको पायलट एएलपी के पद पर भर्ती हेतु कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी का आयोजन 11 मई 2024 को इक्का लेटर में दर्शाए गए सेंटर पारी एवं समय पर किया जाएगा। यानी कि 11 मई 2024 को परीक्षा की डेट है, लेकिन यह सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि विभागीय रूप से प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो आवेदन मांगा गया था, उस आवेदन के तहत उनका परीक्षा कराने के लिए सीबीटी रूप से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रूप से ये डेट दी गई है 11 मई 2024। अब आपका एग्जाम कब होगा, उसके संदर्भ में भी बात करेंगे। उक्त वक्त के लिए आयोजित होने वाली सीबीटी परीक्षा के लिए इक्का लेटर डाउनलोड करने के लिए रेलवे भर्ती कक्ष जयपुर की वेबसाइट दिस पर शीघ्र ही लिंक उपलब्ध करा दिया जाएगा। अभ्यर्थी का लेटर के द्वारा रेलवे भर्ती कक्ष जयपुर की वेबसाइट पर नियमित अवलोकन करते रहें। सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा अधिसूचना संख्या 4/2023 के तहत सहायक लोको पायलट के पद के लिए प्रयोजनीय पात्र अपात्र के सूची के संबंध में, इसमें सूची में कौन कौन से पात्र हुए, कौन कौन से अपात्र हुए, यानी कौन कौन से लोग एग्जाम दे पाएंगे 11 मई को, कौन कौन से लोग एग्जाम नहीं दे पाएंगे, इसके संबंध में लिस्ट जारी कर दी गई है। लॉगिन आईडी और कैंडिडेट नाम, फादर्स नेम, किस श्रेणी के हैं, इसके संबंध में सब लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट को हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस लिस्ट को पीडीएफ को ले सकते हैं, तो वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। आप यहां पर देख सकते हैं अपना नाम, यहां पर सर्च करके देख सकते हैं कि आपका नाम है इसमें या नहीं है। उसके बाद नई वैकेंसी की सामान्य एग्जाम कब होगा, इसके संबंध में, क्योंकि विभागीय संभागीय एग्जाम पहले कराना अनिवार्य था, पहले संभागीय अनिवार्य एग्जाम ही होना था, क्योंकि संभागीय एग्जाम जब हो जाएगा तभी ये वाला एग्जाम होगा, सामान्य एग्जाम होगा। तो संभागीय एग्जाम 11 मई के बाद खत्म हो जाए, 11 मई को जो आयोजित कर दिया गया संभागीय एग्जाम, उसके बाद आपका एग्जाम होना तय है। उसके बाद मान के चलिए कि जून से जुलाई तक में आपका एग्जाम हो संभव है, तो जून से जुलाई में आपका भी एग्जाम हो जाएगा। ये अभी जो एग्जाम है विभागीय एग्जाम है, इंटरनल एग्जाम है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय से मिलती रहे। धन्यवाद।